ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल ही बोल देते हैं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपनी सराउंडिंग के पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना होता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उसकी वजह से जब भी आप कोई टेस्ट चार्ज सराउंडिंग में लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा. ये डाइपोल का एक चार्ज अट्रैक्ट करेगा जबकि दूसरा रिपेल करेगा. नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होना जरूरी नहीं है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्यू, ये हो गया. पॉजिटिव रख देता हूं. इधर नेगेटिव रख देता हूं. डायरेक्शन इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 2a. तो ये भी डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a. इस वाली लाइन पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालना है. मान लेते हैं इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर. तो मुझे कोई बताएगा इस पॉइंट पर, इनको नेमिंग भी कर देते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2. इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 कितना होगा और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 कितना होगा, आप में से कोई भी बताएगा इस चीज को. खुद से नहीं बोलते, मुझे पूछना पड़ता है. नैनी बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एट दिस पॉइंट कितना होगा? सर अभी निकाला नहीं है. ओरली बोलो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या दिखता है तुमको? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? K³ - T³ + A. कितनी डिस्टेंस है और कितना चार्ज है, यही तो डिसाइड करना है. K - Q, पोटेंशियल लिखते टाइम प्लस माइनस लेना है, फील्ड लिखते टाइम या फोर्स लिखते टाइम नहीं लेना. ओके, K - Q / कितनी डिस्टेंस है बेटा? R + A. R प्लस है, इतना क्या सोच रहे हो, ये R है, ये A है, तो R प्लस है. और V2 K³ / R. हाँ, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ ली मैंने. फटाफट सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ. बहुत बढ़िया. 2q into a को हम p लिख सकते हैं, तो kp / r² अंडर द अजम्पशन, और अजम्पशन नहीं लेते हैं तो यही हो जाएगा एग्जैक्ट. ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया kp / r². इसमें आप वेक्टर नहीं लगाओगे, पी वेक्टर नहीं लगाओगे, क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहां पर डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पुट करना है. ओके, अब कौन बताएगा? आकाश आप बताओगे. अगर मुझे पोटेंशियल इस पॉइंट पर लिखना है, कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको हम? इक्विटोरियल. इक्विटोरियल पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल V1 और V2 दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना कितना लिखा जाना चाहिए, ये भी हम यहां से r डिस्टेंस ही ले रहे हैं.
सोच समझ के बोलना, पहले लिख लो चाहो तो नोटबुक में। सर के क्यू के माइनस क्यू अपॉन जेड, जेड को मैंने सर वो ले लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। किसकी वजह से बोला तुमने? वन की वजह से बोला ना? यस सर। वन की वजह से आएगा के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले की वजह से? सर के क्यू अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। बहुत बढ़िया, ये तो जीरो आ गया। हाँ सर। चूंकि इस पॉइंट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से डिस्टेंस क्या है? बराबर। तो जब आप टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आओगे तो उनमें से एक हेल्प कर रहा होगा, दूसरा रिपेल कर रहा होगा। हाँ, और दोनों का हमेशा क्या रहेगा? बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन अपोजिट। तो पोटेंशियल एट इक्विलेटरल इक्वेटोरियल पोजिशन इज ऑलवेज जीरो। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन एंड यू विल हैव टू इट। और वही है कि याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रूफ अगर दो तीन बार भी कर लोगे बिफोर फाइनल एग्जाम तो डेफिनेटली सही मार्क करके आओ। अगर सिर्फ रटते हो तो फिर मेमोरी बहुत शार्प रखना। फॉर्मूले एकदम एक जैसे दिखते हैं ये, और बड़े सारे फॉर्मूले हैं। सर हाँ बोलो सर, एक बार रीजन फिर से बताना सर, वो इक्वेटोरियल का जीरो कैसे हुआ था? ऐसे समझ लो कि मान लो तुम इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हो। यार इन्फिनिटी ना हर डायरेक्शन में होती है, इधर भी होती है, यहां भी इन्फिनिटी होगी यहाँ पे कहीं, और यहाँ भी इन्फिनिटी होगी यहाँ पर कहीं, ठीक है? तो इन्फिनिटी से लेके आना है तो जरूरी नहीं है इधर से ही लेके आओ। अब इस इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओ, अब मनी मन सोचना, जब आप चार्ज को यहां तक ला चुके हो, इक्वेटोरियल पे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आई थी? हाँ सर। एक्सियल पर फील्ड की डायरेक्शन ये थी, जबकि इक्वेटोरियल पर फील्ड ऐसा था। तो फील्ड ऐसा है तो फोर्स भी ऐसा ही होगा, क्यू ई। फोर्स लेफ्ट साइड है और आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो? अपवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री। यस सर। इफ यू रिमेम्बर, वर्क डन जो है वो होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो अगर आप इन्फिनिटी से धीरे धीरे एक टेस्ट चार्ज को वाई एक्सिस के अलोंग लेके आओगे तो इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट पर ले जाने में योर वर्क डन विल रिमेन जीरो। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़े। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया।
थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल का कहां पर कैलकुलेट करना सीखा, एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यू कैन बी आस्क्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सम रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन मतलब आपका डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ है, माइनस प्लस डाइपोल मोमेंट उसका अलोंग एक्स एक्सिस है, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया मैंने एट सम पॉइंट हियर, नाइदर ऑन एक्सियल पोजीशन नॉर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। बात आती है समझ में? ये था आपका डाइपोल और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पूछ लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम रैंडम पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा वेक्टर्स की हेल्प ले सकते हो। बस आपको क्या चाहिए होगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ऑफ कोर्स डिस्टेंस गिवन होगी क्वेश्चन में, और ये वाला एंगल थीटा चाहिए होगा कि आप किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहे हो, बस मुझे उसकी डिस्टेंस बता दो डाइपोल से और वो कितने एंगल पर है ये बता दो। उसके बाद दिस इज अ वेक्टर, राइट, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर और इसकी वैल्यू क्या मानते हैं हम, इसकी वैल्यू मानते हैं हम पी वेक्टर। तो आप ये करो कि इस वेक्टर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, एक ये, अगर ये थीटा है तो ये वाला वेक्टर अलोंग दैट लाइन, दिस वेक्टर विल बिकम पी कॉस थीटा। आई बात, इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, पी कॉस थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और जो दूसरा वाला है इसका कंपोनेंट, वो हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी पी साइन थीटा। भाई ये देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा था अपना जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर था वो इस तरह से था और मैंने उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक थीटा एक्सिस पे लाइन थी, एक ये कंपोनेंट हो गया, ये पी वेक्टर था तो इधर हो गया पी कॉस थीटा और ये वाला हो गया पी साइन थीटा। बस मैंने उनको इस तरह से बना दिया, एक्चुअल में ऐसे बनाना चाहिए पर ये अच्छा दिख रहा था इसलिए इधर ऐसे बनाया। क्या है, समझ में आया सबको? यस। ठीक है, माइक ऑन रखो भाई, माइक ऑन रखो, ठीक है। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें शायद दिख जाए कि ये वाला पॉइंट P cos theta के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। ये पॉइंट P cos theta के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पर जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P theta के लिए मैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्सियल का फॉर्मूला लगा सकता हूं। एक्सियल का क्या फॉर्मूला था? एक्सियल का फॉर्मूला था 2k P, P की जगह P cos theta 2kP by R cube। याद आया? Yes sir। बहुत ही बढ़िया। और ये पॉइंट P sin theta के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो P sin theta का फील्ड यहां पर कैसा आएगा? माइनस KP cos theta by माइनस KP by R cube। याद आ गया इक्वेटोरियल का फॉर्मूला? Yes। तो मैं माइनस नहीं लगा रहा, उसकी जगह डायरेक्शन उल्टी कर दे रहा हूं और मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं। E2 हो गया KP, P की जगह KP साइन थीटा बाई आर क्यूब। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? जब तक नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी आगे जाने में। तो थिंक अबाउट इट। हाँ हाँ, जस्ट थिंक योर सेल्फ। पता है इसके लिए तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अगर तुम मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब मैं स्क्रीन को रोटेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा। तो इफ यू रोटेट योर मोबाइल अ बिट, पी साइन थीटा को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले आओ, ऐसे ले आओ पी साइन थीटा को घुमा के मोबाइल की स्क्रीन, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आर डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल पोजिशन पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है?
अपोजिट टू द डाइपोल, होती है कि नहीं होती है? और कितनी होती है? टू माइनस के पी बाई आर क्यू, वो माइनस एक्चुअली डायरेक्शन ही बताता है, तो माइनस हटा दिया, उल्टा वेक्टर बना के और वैल्यू लिख दी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में या नहीं आया? सर एक बार पूरा थोड़ा थोड़ा छोटे में एक्सप्लेन कर दीजिए। पूरा बताऊं? लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट मायसेल्फ। हाँ, एक तरीका है कि मैं दोनों एक साथ ना बनाऊं, पहले सिर्फ ये वाला डायपोल बना लेते हैं पी वन, ठीक है? पी वन वेक्टर कौन सा है? पी कॉस थीटा। की वजह से यहां पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, ये उसका एक्सियल पॉइंट है, तो क्या लिखोगे? 2kp1 by r cube। और अब सिर्फ दूसरा वाला बना लेते हैं, यानी कि इस तरफ एक है डाइपोल p2 और इस वजह से यहां पर फील्ड लिखना है r डिस्टेंस पर, तो क्या लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? P1 के लिए एक्सियल पॉइंट है तो सामने सामने होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। P2 के लिए कौन सा पॉइंट है भाई? उसके लिए एक्सियल तो ये होगा ना, और ये पॉइंट इक्विटोरियल होगा। तो अब तुम अपने नोट्स में देखो जहां पर हमने डाइपोल पढ़ा था पहली बार और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पोजिशन पे निकाला था, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया था। अब या तो मैं वो दोबारा बना के बताऊं या फिर तुम अपने नोट्स में रेफर करो कि उसकी वजह से माइनस के पी बाई आर क्यूब आया था। कितना आया था? माइनस के पी, माइनस लिखने की बजाय मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी और के पी टू बाई आर क्यूब लिख दिया उसका मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में या नहीं? हाँ सर। ओके, नैनी को आ गई बात समझ में? आकाश आपको आ गई? यस सर आ गई। और कौन बचा? राहुल। यस। ओके, अमेया क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। तो मैंने पहले बोल दिया कि थोड़ा सा तो टफ है ये, क्योंकि डाइपोल अभी समझ में आया होता तब तक हमने उसके मोमेंट को ब्रेक भी कर दिया कंपोनेंट्स में, तो बट स्टिल एक बार समझ में आ जाए तो भूलोगे नहीं इस तरह का कंसेप्ट। तो ये दोनों हमारे फील्ड है और नेट फील्ड इनका रिजल्टेंट होगा। इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसी सी डायरेक्शन में आएगा, ऐसे एक एंगल पर, सम एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है? ऐसा सम आएगा ई नेट। और आई थिंक ई नेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ई वन और ई टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ई नेट की वैल्यू डायरेक्टली अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिख देंगे, जिसको सॉल्व करके के पी वाई आर क्यूब तो कॉमन रहेगा, अंदर बचेगा रूट के साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा कम बचेगा और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? इस पूरे डायपोल में ये वाला अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, इक्विटोरियल के पता होंगे तो आप इसको एग्जाम में प्रूव भी कर सकते हो। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा ध्यान लगा के फोकस रख के देखते रहना। ये एंगल अगर मैं मान लू अल्फा, ठीक है, तो टैन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, विच इज kp sin theta by r cube अपॉन 2kp cos theta by r cube, that will be sin theta अपॉन 2 cos theta, क्योंकि kp और r cube तो कट जाएंगे, but tan theta by 2। तो अगर कोई पूछे कि एंगल अल्फा कितना है तो आपको बताना होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई टू,
और बदकिस्मती से कोई अल्फा नहीं पूछता है, जो भी पूछता है वो पूछता है ये वाला एंगल कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, इसको मैं फाई बोल रहा हूँ। अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सम ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। तो फाई की वैल्यू इज थीटा प्लस अल्फा, तो योर फाइनल आंसर इज थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा by 2। हाँ भाई, यहां तक कितने लोग मेरे साथ थे और कितने बीच में ही बोल गए कि सर लेट इट गो। ठीक है, यस सर। ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में शेयर भी कर दूंगा। नहीं भी समझ में आता है तो यू हैव टू रिमेम्बर इट, समझ में तो बहुत अच्छी बात है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इटसेल्फ विल बी आस्क्ड, मतलब फॉर्मूला इटसेल्फ विल बी आस्क्ड इफ कराता है तो। ओके, तो राइट इट डाउन, यू हैव टू राइट दिस वन डाउन, तभी याद रहने का कुछ चांस है, स्क्रीन शॉट से नहीं आता है। Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी अपने को डायपोल के बारे में दो चीज और सीखनी है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायपोल का सीख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लिया, तीसरी चीज है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही कहीं पर, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आप एक डाइपोल को रखते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके, ठीक है, तो आपका इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज पर यानी प्लस क्यू पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, टू द राइट या टू द लेफ्ट? राइट, टू द राइट। तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना आता है, क्यू इंटू ई, तो इस पर फोर्स आगे की तरफ लगेगा क्यू ई,
और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ माइनस क्यू की। ये बात समझ में आती है सबको? यस। ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगा, आगे की तरफ। ठीक है, ये मैं और ये जो पॉइंट है इनका मिड पॉइंट, इससे दोनों की डिस्टेंस मेरे पास है, दोनों की वैल्यू मेरे पास है, यहां पर भी डिस्टेंस ए है और यहां पर भी डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि जितना फोर्स आगे है उतना ही पीछे, पर जो नेट टॉर्क है वो जीरो होना जरूरी नहीं है, मे नॉट बी जीरो। जैसे कि इस केस में देख सकते हो, आप अगर इस पार्ट को आगे खींचोगे और इसको आगे खींचोगे तो क्या ये ऐसा ही बना रहेगा या रोटेट हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा सर। किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। बहुत बढ़िया। और अगर आपने टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा है तो इस एंगल को मैं कुछ थीटा मान लेता हूं और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ या एफ आर साइन थीटा। तो फोर्स है मेरा क्यू ई, डिस्टेंस है ए और इनटू साइन थीटा। और हालांकि दोनों ये फोर्सेस अपोजिट हैं पर दोनों का टॉर्क जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो मैं दूसरे वाले के लिए भी क्यू ई ए साइन थीटा, दोनों का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क कैसे हैं? क्लॉकवाइज। इस केस में क्लॉकवाइज है, किसी में एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो ये बन गया, बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई, टू क्यू ए फिर से बन गया अपने पास इंटू ई इंटू साइन थीटा। टू क्यू ए को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। That will not only give you the value of torque, also give you the direction of torque. Is that clear to everyone? Yes. Okay. Please write it down. Torque, T-O-R-Q-E. Torque on a dipole in a uniform electric field. Write it down, please. Sir, uniform electric field is a hypothetical concept. Uniform electric field is a hypothetical concept. No, not exactly. For a very small space, we can create uniform electric field. जो दो capacitor plates होती हैं, उनके बीच का electric field is almost uniform. 100% may not be possible, but दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट्स इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, तुम्हें याद हो तो फॉर्मूला में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेट के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनफाइनाइटली लार्ज तो हमारे पास नहीं है कोई चीज, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज की चार्ज प्लेट है और हम उसके बहुत क्लोज वाले पॉइंट पर देखें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दिखाई देगा, बट हाँ परफेक्टली यूनिफॉर्म इन अ लार्ज स्पेस कैन नॉट बी क्रिएटेड क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेट हम बना नहीं सकते। ओके ओके
डन यस सर ओके यस सर एंड लास्ट वन ऑन दिस लास्ट फॉर्मूला ऑन द डाइपोल वुड बी एक्चुअली नॉट द लास्ट देयर आर टू मोर टू गो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाना होगा मुझे. ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है. अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को एक डायपोल को लेके आना है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं एक काम करता हूं मैं दोनों चार्जेस को एक एक करके लेके आता हूं. एक एक करके कहां से लेके आऊंगा इन्फिनिटी से. ठीक है तो एक एक करके अगर मैं दोनों को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा पहले मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो उसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो खुद से दौड़ा दौड़ा आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट. और उसके बाद मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा उसमें मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली जितना वर्क डन मुझे पॉजिटिव को लाने में करना पड़ेगा नेगेटिव में मेरा वर्क डन उतना ही नेगेटिव आएगा नेगेटिव चार्ज. मेरे कहने का मतलब है लेट सिंप्लीफाई दिस कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड है तो इस डाइपोल को सीधा सीधा इंफिनिटी से लेके आने में मेरा वर्क डन जीरो होगा. क्यों होगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स कितना है जीरो. Is that clear? तो डाइपोल को कहीं भी ले जाने में एज लॉन्ग एज मैं उसे सीधे सीधे लेके जा रहा हूं मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. तो इस पोजीशन में जहां मैं दोनों को इक्वल डिस्टेंस चला के लाया हूं इस पोजीशन तक लाने में द वर्क डन बाई मी इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस कंडीशन इज डिफाइंड एज जीरो. अब आप मुझे सोच के बताओ कि अगर इसको डायपोल को ऐसे लाके छोड़ दिया जाए तो इमीडिएटली ये कैसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज और तुरंत ये कैसा हो जाएगा ऐसा इस तरह से हो जाएगा. ये पोजीशन जो होगी ये इस पे इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर आप डायपोल को छोड़ दोगे तो हमेशा इस तरह से आके रुकेगा. इधर फोर्स लग रहा होगा पीछे फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स जीरो होगा. थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे हमेशा इसी पोजीशन में वापस आके रुकेगा डायपोल. ठीक है क्यों क्योंकि इस पर फोर्स आगे लग रहा है जबकि इस पर फोर्स पीछे लग रहा है तो हमेशा इस पोजिशन में आके रुकेगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी यहां पर. ओके तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी रैंडम एंगल थीटा क्योंकि हम ये वाली चूज कर रहे हैं पोजीशन. इस पोजीशन पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा हो थीटा उस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. अगर हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो हम किसी भी ओरिएंटेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हमारा इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया. इनिशियल से इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी है और फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है. ओके तो इफ यू गाइज रिमेंबर दिस पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए actually equal to work done to bring the system from A to B. Okay,
या वर्क डन टू ब्रिंग अ सिस्टम फ्रॉम ए टू बी वाज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो होगा एफ डॉट डी एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. एक और फॉर्मूला होता है जो होता है टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आई नो कि शायद ये वाला आपने नहीं पढ़ा हो तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, पर इसको यू ये जैसे फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, बस इतना है. टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, क्यू ई कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ओके, तो दिस फॉर्मूला अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो वी विल गेट क्यू ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा. किसी को साइन थीटा होता है. और लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करनी पड़ेगी, थीटा फाइनल एंगल थीटा और इनिशियल वैल्यू कितनी है थीटा की. हमने टॉर्क पी साइन थीटा लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर गया. और की वैल्यू मुझे लिखनी होगी क्यू ई साइन थीटा. और की वैल्यू क्यू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है किसी को, माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. और इसकी लिमिट्स मुझे लगानी है, इनिशियली थीटा की वैल्यू पाई बाई टू थी और फाइनली थीटा थी, तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आ जाएगा यू बी माइनस यू ए विच इज जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई टू तो जीरो ही होता है, कॉस 90 जीरो होता है. तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस QE cos theta, ठीक है. और ये Q नहीं होगा, ये होगा P, P and P. तो इसको याद रखने के लिए easily minus P dot E लिख सकते हैं. Okay. हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, अब 8 फॉर्मूले हो गए टोटल, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस पीई या माइनस पी डॉट ई. इसका मतलब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पीई है, दिस मिनिमम. इस केस में जीरो है, एक और केस आएगा जिसमें प्लस पीई आएगा, और तुमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है माइनस पी डॉट. डॉट प्रोडक्ट लेना आता है सबको, अगर मैं वेक्टर्स में दे दूं तो डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको, आई कैप जे कैप में, राइट. प्लीज राइट इट डाउन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सर कॉस थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक है, इनिशियली थीटा 90 था और फाइनली थीटा वैल्यू थीटा मान ली. सर वो एंगल हमने किस किस के बीच में लिया था क्या बेटा, सर वो एंगल हमने किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है. ओके सर.
तरह हो गया। ओके ठीक है, यहाँ पर अपने फॉर्मूले ऑलमोस्ट खत्म होते हैं। जो मेन आए वो आए एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे 2k r³, और इक्विटोरियल के लिए -kp/r³, रैंडम पोजीशन के लिए कितना आया kp/r³ 1+3cos²θ, और एंगल फाई की वैल्यू आई tan inverse tan theta by 2, और लास्ट टॉर्क ऑन अ डाइपोल आया p×e, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल आई -p.e। ओके, तो एंड में एक छोटा सा नोट बना के, ये सब चीजें हमने सीखी, ये अपने को याद रखनी है, लिख लेना ठीक है। ठीक है, दो और फॉर्मूले हैं, एक है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स व्हेन दे आर अलोंग द सेम एक्सिस। फॉर्मूला है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स व्हेन दे आर अलोंग द सेम एक्सिस। एक है 6k p₁ p₂/r⁴। और लास्ट वन है कि अगर दो डाइपोल, वही दो डाइपोल है, r डिस्टेंस पर है, लेकिन परपेंडिकुलर टू इच अदर, p₁ p₂ r डिस्टेंस पर है लेकिन परपेंडिकुलर टू इच अदर है, उस केस में फोर्स आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा फोर्स, 3k p₁ p₂/r⁴। ये दो और बचे, इनका प्रूफ आज नहीं करा रहा मैं, अगली क्लास में आओगे नहीं वरना, ठीक है, लिख लो इनको, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डाइपोल पर। डाइपोल खत्म होता है इसके साथ हमारा, ठीक है। ये जो दो लास्ट के दो फॉर्मूले लिखा है, इसमें आपको हेडिंग डालनी होगी फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। ग्रुप पे वो थ्योरी वाला मॉड्यूल किसने भेजा था? सर मैंने। हाँ वो सही लग रहा है मेरे को, मतलब हम ऑलमोस्ट कर ही रहे कवर, कुछ फिगर विगर हमारे कम बनाए, इसमें फिगर बनाना थोड़ा टफ होता है। यू कैन गिव इट अ रेफरेंस, कोई चीज नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क अस। ओके
वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ, हार्डली 15-20 मिनट का और बचा, हालांकि मैं एक दो क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए लूंगा, लेकिन हाँ थ्योरी पार्ट इज ऑलमोस्ट एट द एंड। हमने कुछ चीजें पढ़ी जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एरिया में, तो जैसे तुमने बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना बहुत टफ होता है एक्चुअली, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया में है, प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो आगे की तरफ भागेगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखोगे तो इधर भागेगा। तो अगर कोई दो पॉइंट चूज करूं मैं, एक ए और एक बी, ठीक है, अगर आपने टेस्ट चार्ज ए पर रखा तो वो अपने आप भाग के बी पर आएगा, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर, क्योंकि दुनिया में हमेशा जब भी आप किसी मास को रखोगे तो वो हमेशा किस तरफ भागेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बेसिकली VA इज ग्रेटर देन VB। मैं इसको ऐसे याद रखता था कि अगर नदी के फ्लो की डायरेक्शन में जाओगे तो आप पहाड़ के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अ रिवर विल यू गो अप द माउंटेन और डाउन द माउंटेन? डाउन द माउंटेन, ऑलवेज डाउन द माउंटेन, इज दैट क्लियर? A river will always flow down the mountain. तो जिस direction में electric field present है, अगर आप electric field की direction में move करते हो, जिसे हम note की तरह लिख लेंगे, electric field की direction में move करते हो, तो you will always end up going to a lower potential point. Is that clear? अगर आप electric field के opposite direction में जाते हो, तो you will always reach a higher potential point. ठीक है? पोटेंशियल एट सी इज हायर देन पोटेंशियल एट ए, ओके, क्योंकि सी पर जाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको नहीं जाना है, आपको एक टेस्ट चार्ज को लेके जाना है, तो सी पर टेस्ट चार्ज को लेके जाओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एट सी इज हायर देन पोटेंशियल एट ए देन पोटेंशियल एट बी, ठीक है। मोर ओवर अगर आप फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव करते हो, यानी यहां जाते हो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हो, तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, या यहां पर जाते हो ई पॉइंट पर, तब भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एट ई। तो मेरे कहने का मतलब है, यू शुड राइट इट डाउन, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if we move in the direction of electric field, you will reach at lower potential points. Similarly, if we move against the direction of electric field, against या opposite कुछ भी लिख लो, similarly if we move opposite the direction of electric field, we will reach higher potential point. You will reach higher potential point, at higher potential point. एक लाइन छोड़ के लिखना, this means if we move perpendicular to the electric field lines, this means if we move perpendicular to the electric field lines,
we will keep moving at equipotential points. मैंने बोला we will keep moving, if we move perpendicular to electric field lines, we will keep moving on equipotential points. मतलब ए से डी, डी से ई, और अगर तुम 3D में सोचो तो ये एक लाइन नहीं बनेगी, ये एक सरफेस बनेगी, वो सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। 3D में अगर सोचोगे तो ये एक सरफेस बनेगी और इस सरफेस पर जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे। आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? Yes, sir. सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस कंटेनिंग ऑल सच पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यही बस एक लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह गया है, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम क्वेश्चन कुछ मैं सॉल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको अपने डाउट्स लेके आना है फॉर श्योर। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट 5 डाउट्स, और कुछ भी रैंडम मत चूज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें से ढूंढना, ठीक है? सर एट अ टाइम कितने डाउट पूछ सकते हैं? मुझे नहीं लगता अगर हर कोई पांच पांच पूछेगा 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक डेढ़ घंटा 20 क्वेश्चन में निकल जाएगा बेटा, है ना? और सर होमवर्क तेरे को तो मैंने दो भेज दिए थे बड़े बड़े शीट्स, वो सॉल्व किए दो ना। हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ वो ग्रुप पे भी भेज दूंगा मैं, और जो लोग आकाश का पैकेज सॉल्व करना चाहे वो तो कर ही सकते हैं। डन, ठीक है आज की क्लास ही। प्लीज रिपीट द क्लास, प्लीज रिपीट द फॉर्मूलाज, यू विल फॉरगेट देम अदरवाइज। और नेक्स्ट क्लास से पहले कम से कम 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सॉल्व कर लेना, ओके? ठीक है, अब एक यही चीज है ऑनलाइन में कि मैं चेक नहीं कर सकता किसने क्या सॉल्व किया है, इसलिए तो मैं खुद ही ऑनेस्टली करना पड़ेगा सॉल्व, ओके? चलो बाय बाय एवरीवन, परसों मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके।